इस वक्त की बड़ी खबर, आज संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होगा और कल इस पर चर्चा होगी। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर जुड़ चुके हैं। सर, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस कहती है कि हमारा है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज ये बिल संसद में पेश होगा और जो है कल इस पर चर्चा होगी, तो क्या कुछ हो सकता है, इसमें पास हो सकता है या नहीं? देखिए, पास तो होना ही होना है दीपिका। ये जो मोदी का मास्टर स्ट्रोक था उसमें इसकी शुरुआत जो है वो महिला आरक्षण बिल से हुई है। कांग्रेस को इसकी जानकारी हो गई थी, इसलिए उसको वो अपना श्रेय लेने के लिए उन्होंने इस तरह से बयान दिया, खास करके सोनिया ने, कि हमारा बिल है। देखिए, बिल चाहे जिसका हो, पास तो मोदी गवर्नमेंट में होने जा रहा है, इसलिए उसका एक बड़ा श्रेय जो है मोदी गवर्नमेंट को मिलेगा। जी जी। इसके पीछे इतिहास भी है, 27 साल हो गए जी, इस बिल को पेश किए जाने को लेकर के और इस पर जो राजनीति हो रही थी, और इसमें चार बार ये प्रयास किया गया। 1996 में देवगौड़ा के समय में ये बिल जो है पहली बार लाया गया, तो देवगौड़ा भी ये कह सकते हैं कि बिल तो हमारा है। तो सोनिया जी जो कह रही हैं, ठीक है, उनका एक प्रयास था। और एक बार तो स्थिति हुई थी कि राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ। लोकसभा में बड़ी हास्यास्पद और बहुत ही चौंकाने वाला एक कृत्य हुआ था कि उसमें बिल को फाड़ दिया गया। उसमें ये हुआ कि जातिगत आधार हो और उसमें धर्म को लाने की कोशिश की कि महिला आरक्षण तो हो, समर्थन तो समाजवादी पार्टी RJD कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो इन सारे मामलों को पूरी तरीके से समेट करके इस तरह से ये बिल पेश किया जाने वाला है। बिल जो है वो कानून मंत्री मेघवाल पेश करेंगे बहुत विमर्श के बाद, क्योंकि चार बार जो बिल पेश किया गया उसकी कमियों को ध्यान में रखते हुए ये बिल पेश किया जा रहा है। चूंकि नई संसद के ये पहली कार्रवाई होगी, ऐतिहासिक दिन है और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सब अपना श्रेय लेना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर है दीपिका कि ये बिल पास होने जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन पुराने सरकारों के समय ये प्रयास किया गया था, लेकिन राजनीतिवश वो चीजें नहीं हो पाई, जिस पर ओवरकम नहीं कर पाए वो सरकारें, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार थी। जी, और इसी आधार पर सोनिया गांधी कह रहे हैं कि बिल हमारा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे देखा जाए तो सचमुच वाकई आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पुरानी संसद को अलविदा कहा गया और नई संसद भवन में जो है महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होगी। और एक खास बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि ये रोटेशन बेस पे होगा, जो जानकारी मिल रही है रोटेशन बेस पे होगा। 180 लोकसभा सीट पर डुअल मेंबरशिप होगी और एक तिहाई सीट SC/ST के लिए रिजर्व होगी, ये जानकारी मिल रही है। 2027 के बाद परिसीमन होने के बाद इतनी ही सीट इसमें बढ़ा दी जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। 2027 के बाद इसका डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा और बढ़ा दी जाएगी, और फिर महिलाओं के लिए वो रिजर्वेशन हो जाएगा। अब ये आपको हम और भी जानकारी दे दें कि 2010 में ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, लोकसभा में ये बिल लटक गया, जिसके बाद महिला बिल को मंजूरी देने दिए जाने की मांग उठी थी। और 1996 में पहली बार देवगौड़ा की जो सरकार थी उस समय ये बिल पेश किया गया था। तो ये पूरा हिस्ट्री है और इसके बारे में और जानकारियां जो आएंगी वो वीके न्यूज आपको लगातार देता रहेगा। 20 सितंबर को लोकसभा में इसका चर्चा होने वाली है, और 20 सितंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और 21 सितंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। और ये PM मोदी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2024 के लिए साबित होगा। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर और नई अपडेट, बड़ी खबर, पूरा इतिहास हम आपको वीके न्यूज में आगे दिखाएंगे। इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार वीके न्यूज के साथ जुड़े रहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।